नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज सावन की पहली शिवरात्रि है और मुझे मंदिर भी जाना है शिव जी को जल ढालने के लिए। उससे पहले मैं घर में पूजा कर ले रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर की पूजा कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सभी भगवान जी को पहले भोग प्रसाद चढ़ा दे रही हूँ। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं माता पार्वती के लिए चुनरी लाई थी, उन्हें चुनरी उड़ा दी। और उसके बाद जो पुष्प मैं अपने बागीचे से ली थी, वो अपने सारे भगवान जी को एक एक करके अर्पित कर रही हूँ। माताओं को सिंदूर लगाऊंगी और सिंदूर लगाने के बाद, पार्वती माता जी को सिंदूर लगाने के बाद, वही उंगली से खुद अपने मांग में भी सिंदूर लगाना चाहिए, काफ़ी शुभ होता है। और अब देखिए, मैं अपने आंगन की तुलसी मैया की पूजा करने चल दी। और पूजा मैं काफ़ी जल्दबाजी में कर रही हूँ, मुझे ऑफिस भी निकलना है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तुलसी मैया की पूजा के बाद मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाऊंगी। भगवान जी को जल चढ़ाते समय सिर्फ जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें एक पुष्प या मिश्री, बतासे, कुछ भी जो भी आपके पास है कुछ भी डाल दें, सिर्फ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ देखिए, मैं जल में रोरी, गंगा जल और पुष्प दे के सूर्यदेव को अर्घ दे रही हूँ। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद अब मैं मंदिर जाने की तैयारी करूँगी। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो सब कुछ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सूर्यदेव के बहुत सारे नाम हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। यहाँ पे मैं धूप बत्ती दिखाने के बाद सारे भगवान जी को अच्छी तरह से धूप बत्ती दिखा दे रही हूँ। और दिखाने के बाद शिवरात्रि की थाली को तैयार करूँगी। हमारे शिव जी को क्या क्या प्रिय है, उनके सारे प्रिय चीज़ को मैं एक दिन पहले से ही इकट्ठा करती हूँ। मार्केट गई थी तो उनको मधु, घी, दूध, गंगा जल, अक्षत, तिल, सारा कुछ बहुत ही प्रिय है, बेलपत्र। तो एक एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि कुछ भी छूटे नहीं, उनको सारे कुछ अच्छी तरह से मैं चढ़ाऊँ, पूजा अच्छी तरह से करूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान शिव जी को इतना कुछ चढ़ाए तभी वो प्रसन्न होंगे। आप उन्हें सिर्फ गंगा जल, एक लोटे जल में ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पास के मंदिर में पूजा देने आती हूँ हर शिवरात्रि को, तो मैं मंदिर आ गई हूँ और ये अपना पूजा मैं करके दिखाती हूँ। पहले मैं शिव जी को चंदन लगाई और चंदन लगाने के बाद बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र में भी मैं चंदन से अच्छी तरह से चंदन लगा दूंगी बेलपत्र में, उसके बाद ही मैं शिव जी को वो बेलपत्र अर्पित करूंगी। और उसके बाद एक एक करके मैं जितनी सारी सामग्रियाँ लाई थी वो शिव जी पे अर्पित करूंगी। उसके पहले मैं ये फूल से सजा लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि फूल से शिव जी को अच्छी तरह से सजा लूँ।
और ये मैं गेंदे का फूल हर बार लेके आती हूँ ताकि शिव जी को पूरी तरह से सजाऊं, वो सुंदर दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची भी शिव जी को जल चढ़ाने आई थी, वो मुझसे पहले ही आई थी। शिव जी सभी के प्रिय होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनको जल चढ़ाएं, जिसकी वजह से सावन के महीने में उनके सारे भक्त उमड़ के उन पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। हर जगह जहाँ भी शिवलिंग है, जहाँ भी बाबा है, वहाँ ही उनके भक्त पूरे श्रद्धा भक्ति से सभी लोग उनको जल चढ़ाते हैं। आज के दिन ही प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही साथ पड़ा है, जिसके वजह से आज के दिन की मान्यता और भी बढ़ जाती है। और प्रदोष और शिवरात्रि दोनों दिन ही शिव जी को बहुत ही प्रिय है। अब मैं यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करूँगी। आज शनिवार है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। और आज शिवरात्रि भी शनिवार को पड़ा है, तो मैं पहले यहाँ पीपल के वृक्ष में सिंदूर लगाई। और सिंदूर लगाने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे अब मैं दीपक को प्रज्वलित करूँगी, वहाँ भी एक दीपक जला लूँगी। और दीपक जलाते वक्त मैं उसमें काला तिल दे दी। काला तिल दे के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत ही अच्छा होता है। और अब मैं यहाँ पे पंच कपूर रख के शिव जी के कपूर से आरती करूँगी। यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा करने के बाद पास ही में हनुमान जी का भी एक मंदिर है, जहाँ पे मैं पूजा की। जब भी मैं ये शिव मंदिर में आती हूँ तो हनुमान जी की भी पूजा करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें।